हेलो एवरीवन। तो बैंक निफ्टी के अंदर हमें फ्लैट ओपनिंग देखने को मिला है और ऐसा ही निफ्टी के अंदर हमें नजर आ रहा है। इसमें थोड़ा बहुत सेलिंग वगैरह देखने को मिला है, लेकिन इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। यहाँ पे तुरंत मार्केट के अंदर बाय करो, मार्केट को ऊपर जाना है, वेट करने की भी यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। 47,800 का मैं यहाँ पे कॉल ऐड करूंगा विद 900 क्वांटिटी, उसके बाद 47,900 का कॉल ऐड करेंगे। इसमें हमें रुकना ही नहीं है, जस्ट मार्केट ओपन हुआ काम करना यहाँ पे शुरू कर दो, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है जिसके अकॉर्डिंग सेल हम मार्केट के अंदर करें। तो अपना निफ्टी का भी उठा लेते हैं 22,600 का कॉल, निफ्टी में अपना एक्सपायरी भी है। यहाँ पे हम क्वांटिटी ऐड करेंगे 1100। तो क्विकली हमें काफी अच्छा प्रॉफिट मार्केट के अंदर नजर आना शुरू हो गया। बात करते कि यहाँ पे हमने तुरंत के तुरंत कॉल साइड का पोजीशन क्यों बना लिया जैसे ही मार्केट हमें ओपनिंग देता हुआ नजर आया, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्लियर है ये जो बायर है इसने बहुत अच्छा प्रीमियम मार्केट का कॉल का उठा रखा है, बहुत ही सस्ते प्रीमियम में वो लेकर गया है। तो ये तो काफी अच्छे प्रॉफिट बैठा है, इसको तो हमें टारगेट मार्केट के अंदर करना नहीं, यही हमारे पास इंपॉर्टेंट है। अब मिडल में थोड़े बहुत रहते हैं, इनका तो हमें वैसे भी पता नहीं होता कौन कहाँ पे बाय करके गया, कौन कहाँ पे सेल करके गया, तो मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर ही निकलने वाला है। जो यहाँ कहीं बाइंग कर रहे थे ना, जैसे हमें बताया कि यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग बाइंग कर रहे होंगे, जैसे यहाँ पे आपको बताया बाइंग कर रहे होंगे, उन सभी का मार्केट ने क्या कर दिया, ऐसे लीड कर दिया। तो जब ऐसे लीड करके उसके बाद अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हो सकता है कोई अच्छा ऑपरेटर या फिर कोई अच्छा पर्सन मार्केट के अंदर बाइंग करके बैठा है, तो एक बार मार्केट को वो क्या करेगा, ऊपर लेकर जरूर जाएगा। उसी ऊपर जाने के मोमेंटम को कैप्चर करने के लिए हमने क्या किया, कॉल साइड का पोजीशन बनाया। इसलिए मैंने आपके साथ एनालिसिस में डिस्कस किया था कि मार्केट हमें गैप अप मिल जाए, हमें मिल जाए फ्लैट, हम मार्केट के अंदर बाइंग करेंगे। इवन अगर थोड़ा बहुत गैप डाउन भी ओपन हो जाता है तो आज तो ऐसा चांस है कि वहां पे बाइंग का भी मार्केट के अंदर प्लान बनाया जा सकता है। तो जैसे ही फ्लैट ओपन हुआ, ओपन होते ही पॉजिटिव मोमेंटम नजर आया, हमने मार्केट के अंदर अपना काम करना शुरू कर दिया। निफ्टी के अंदर भी कुछ ऐसा है, इसमें हल्का सा रिजेक्शन आ गया जो कि मैं एक्सपेक्टेड नहीं कर रहा था, लेकिन थोड़ा बहुत साइकोलॉजी देखिए चेंज करना पड़ता है। अगर दोनों इंडेक्स एक साथ भागते तो मे बी बड़ा मोमेंटम मार्केट नहीं कर पाता है, लेकिन अगर दोनों इंडेक्स एक साथ नहीं भाग रहे हैं, कोई पीछे है कोई आगे है, तो उसमें क्या होता है मोमेंटम वगैरह भी अच्छा मिल जाता है। तो ये मे भी हमारे लिए ठीक ही रहेगा। तो मार्केट के अंदर अभी अपना अच्छा प्रॉफिट नजर आना शुरू हो गया है, कंटिन्यू भाग नहीं दो, अच्छा प्रॉफिट हम मार्केट के अंदर बनाएंगे। और जिस प्रकार का अभी हमें प्रॉफिट नजर आ रहा है, मे भी टारगेट वगैरह भी बड़ा किया जा सकता है। टारगेट बड़ा तभी करेंगे जब मार्केट में कंटिन्यू मोमेंटम चला है, रिजेक्शन वगैरह आएगा तब भी हमें ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि मार्केट के ऊपर छोड़ दो कि मार्केट अब तो जा ही रहा है, अब तो मेरा पैसा बनने जाएगा। मार्केट के ऊपर जिस दिन भी छोड़ना शुरू कर दोगे, मार्केट आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देगा। सब कुछ अपने ऊपर होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, मुझे कहाँ पे कॉल बनाना है, कहाँ पे पुट बनाना है, कितना लॉस लेना है, कितना अपना प्रॉफिट लेना है, सब कुछ डिसाइड करके बैठोगे ना तो मार्केट आपका कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर आप मार्केट के साथ चलना चाहते हो डेफिनेटली चलो, लेकिन प्रॉफिट लॉस अपना, पैसा अपना, सब कुछ अपना होना चाहिए, उसके बाद मार्केट के साथ साथ चलते रहो। कि मार्केट ऊपर जा रहा है आपको ले लो, नीचे जा रहा है पुट ले लो, ऐसा भी आप कर सकते हो। तो अभी अच्छा प्रॉफिट मार्केट के अंदर नजर आ रहा है और देखते हैं मार्केट के अंदर कैसा कैंडल वगैरह बन रहा है। ग्रीन कैंडल बन रहा है, ग्रीन कैंडल में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कम से कम इतना तो आप अपने आप को कॉन्फिडेंस देना ही चाहिए कि प्रॉफिट नजर आ रहा है, ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो मार्केट के अंदर बैठे रहो। अगर आपका पहले लॉस चल रहा है उसमें फिर भी थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, या फिर एक दिन पहले लॉस हुआ है तो वहां पे भी हमें थोड़ा समझना पड़ता है कि मार्केट कहीं प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो मार्केट को बढ़ने दो। छोटे मोटे रेड कैंडल वगैरह कुछ आ सकते हैं ताकि मार्केट थोड़े बहुत ऐसे वगैरह क्रिएट करे, उसके बाद दोबारा से मार्केट में अपसाइड का वगैरह का मोमेंटम आना शुरू हो जाएगा। तो अभी हमें मार्केट के अंदर रुकना है। ट्रेड आपको क्लियर हो गया होगा कि मार्केट के अंदर जो कॉल वाला है वो अच्छे प्रॉफिट बैठा है, और जहां पर उसने कॉल लिया है वो बहुत ही सस्ते प्रीमियम लेकर गया है। तो सस्ता प्रीमियम को लेता है जो अच्छा ऑपरेटर होता है, जो अच्छा ट्रेडर होता है, वही इस प्रकार की ट्रेड वगैरह मार्केट के अंदर कर पाता है। तो अगर वो मार्केट के अंदर है यहाँ पे, तो मार्केट को और भी ऊपर ले जा सकता है। इस ऐसा एक्सपेक्टेड करते हुए मैंने क्या किया, कॉल साइड का पोजीशन बनाया। तो देखते हैं हम कितना सही मार्केट के अंदर जाते हैं। अभी अपना ठीक ठाक ही प्रॉफिट मार्केट के अंदर नजर आ रहा है, बढ़ने देते हैं, आराम से इंजॉय करते हैं। यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी के अंदर हमें कुछ रिजेक्शन नजर आ रहा है। रिजेक्शन तो देखिए क्लियर है कि जब तक दूसरे लोग सेल नहीं करेंगे तो मार्केट को सेलर के एसएल नहीं मिलेंगे, और जब तक एसएल नहीं मिलेंगे तब तक मार्केट ऊपर जाएगा कैसे। तो ये 48,000 यहाँ पे लेवल अवेलेबल है, तो जब तक इस लेवल को देखकर दूसरे लोग सेल नहीं करने वाले, अपना एसएल इसके ऊपर नहीं रखने वाले, तब तक मार्केट में भी ऊपर नहीं जा पाएगा, लेकिन जाना इसको ऊपर ही है। ठीक है, तो उसमें डरने वाली बात नहीं है। और निफ्टी भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट वगैरह करने की कोशिश कराए।
अपना प्रॉफिट वगैरह कम हो रहा है लेकिन बैठे प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट में बैठे हैं तब तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। हालांकि अपना प्रॉफिट काफ़ी अच्छा नजर आता है, अभी ये काफ़ी कम हो चुका है, लेकिन सिचुएशन ऐसे है कि यहाँ पे हमें देखना ही पड़ेगा इन चीज़ों को, मार्केट घूमेगा थोड़ा, क्विकली हमें ट्रेड भी करना जरूरी था, अगर हम ट्रेड नहीं करते तो मे बी मार्केट जल्दी निकल जाता, अब ये घूम रहा है तो इसको भी हमें झेलना है, तो ये अपना है ठीक है, तो इसको हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मार्केट थोड़ा बहुत एसेट वगैरह क्रिएट करेगा, जैसे मोमेंटम करना शुरू करेगा हमें डेफिनेटली एक ठीक ठाक मोमेंटम मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट नज़र आ रहा है, निफ्टी 50 अच्छा मोमेंटम कर रहा है, निफ्टी बैंक भी कंटिन्यू भागने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसी हरियाली को छोड़कर कौन जाएगा, बढ़ने देते आराम से, जब तक अपना प्रॉफिट वगैरह कम नहीं होता तब तक हमें कोई भी चिंता करने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। और चार्ट देखना तो निफ्टी 50 का देखो जबरदस्त मोमेंटम आया हुआ है, प्रॉफिट भी देख ही लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा कम नहीं होने देंगे, यही रेंज है जहाँ पे मैं कट करना चाहूँगा, लेकिन जब तक ग्रीन कैंडल बन रहा है जब तक कंटिन्यू मोमेंटम आ रहा है डेफिनेटली मैं मार्केट के अंदर वेट करना पसंद करूँगा। अभी हम रुकते हैं, ज़्यादा कम नहीं होने दूंगा, ये मेरी रेंज है जहाँ पे मुझे कट करना है, लेकिन जब तक ग्रीन कैंडल है मैं वेट डेफिनेटली करूँगा क्योंकि मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमें बैंक निफ्टी के अंदर कंटिन्यू मोमेंटम ही नज़र आ रहा है, तो अब हमें क्या करना होगा, बुकिंग करना होगा, क्योंकि हमें जितना घास मिलना था वो मिल चुका है, अब मैं यहाँ पे ज़्यादा लालच नहीं करूँगा, मेरा पेट भर चुका है और प्रॉफिट भी हमें काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे अपनी पोजीशन को बुकिंग कर लेते हैं। दो रीज़न है बुकिंग करने के, सबसे पहले तो देखिए प्रॉफिट मुझे बहुत अच्छा मिल गया, दूसरा रीज़न है कि मार्केट में देखिए कंटिन्यू मोमेंटम हुआ है, थोड़े बहुत एसेट वगैरह क्रिएट करने के लिए रिट्रेसमेंट वगैरह मार्केट दे सकता है, जैसे यहाँ पे क्या नहीं थे एसेट वगैरह अवेलेबल नहीं थे तो मार्केट ने यहाँ पे कुछ रिट्रेसमेंट दिए, तो ऐसे हल्के फुल्के रिट्रेसमेंट यहाँ पे दे सकता है, आसपास रेजिस्टेंस लेवल भी आ चुका है तो मार्केट कुछ अलग करने की कोशिश कर सकता है, और टारगेट आपको देखने की आवश्यकता नहीं, बहुत अच्छा मिला है हमें तो वहाँ पे क्या करना चाहिए, हमें निकल जाना चाहिए। इंट्राडे में जो हमने ट्रेड बनाया था जितना हम रिस्क लेके बैठे थे उससे डबल ट्रिपल हमने मार्केट के अंदर प्रॉफिट बनाया, तो उसके बाद निकलना जरूरी होता है, अगर हम बैठे रहें तो मार्केट कभी कभी क्या होता है अचानक से रेड कैंडल वगैरह भी बना देता है, जैसे यहाँ पे रेड कैंडल बना ऐसा कुछ यहाँ पे भी बन सकता है, तो ऐसा खतरा रहता मार्केट के अंदर रहता है। बात करते हैं कि यहाँ पे हमने पोजीशन मार्केट के अंदर क्यों बनाया था, क्योंकि हमारे लिए क्लियर था कि ये जो मोमेंटम आया था ना उसके बाद अगर किसी ने कोई अच्छे ट्रेडर ने या फिर आप ऑपरेटर कह लीजिए किसी ने भी बाय किया होगा बहुत सस्ता कॉल लेके चला गया, तो अगर सस्ता कॉल उसने उठाया उसके बाद अगर मार्केट ऊपर गया है तो ये मार्केट को इतना जल्दी नीचे नहीं गिरने देगा, क्योंकि ये बहुत अच्छे प्रॉफिट बैठा है और मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी की और भी ऊपर लेकर जाने वाला है, इसीलिए हमने डिसाइड किया था एनालिसिस के अंदर कि अगर हमें मिल जाए गैप अप या फिर फ्लैट मिल जाए तो हमें मार्केट के अंदर क्या करना है बाय करना है। इवन मैंने आपको ये भी बोला था कि मैं तो क्या करने वाला हूँ गैप डाउन में भी मार्केट के अंदर बाय करने वाला हूँ, हो सकता है आपके लिए रिस्क नजर आए लेकिन मैं गैप डाउन के अंदर भी ट्राई करूंगा, लेकिन गैप डाउन नहीं मिला फ्लैट मिल गया और भी अच्छी बात रही, ओपन होती पॉजिटिव मोमेंटम आया, जैसे मोमेंटम नजर आया विदाउट वेट किए मैंने क्या कर लिया काम करना शुरू कर दिया। निफ्टी 50 में आपको हल्का फुल्का रिजेक्शन शुरुआत में नजर आया होगा, ये रिजेक्शन इसलिए आया क्योंकि अगर ये शुरुआत में ऐसा मोमेंटम करना शुरू कर देता ना तो इतना बड़ा मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि फिर लोग सेल नहीं करते, लेकिन जैसे ही इसने क्लोजिंग प्राइस के नीचे अपने आपको रखा थोड़े बहुत यहाँ पे सेलर आए और एक्सपायरी कारण क्या हो गया इसके ऊपर जो भी स्ट्राइक प्राइस है उनको राइटर ने काम करना शुरू कर दिया, कॉल राइट कर दिए और कॉल राइटर को निकालना है तो मार्केट को तेजी से ही मोमेंटम करना पड़ता है, इसलिए हमें एक बड़ा मोमेंटम मार्केट के अंदर देखने को मिला। ओवरऑल हमें अपना प्रॉफिट से मतलब है अच्छी हरियाली मार्केट के अंदर देखने को मिली, हमने अच्छा काम कर लिया, अच्छा टारगेट मार्केट के अंदर बुकिंग कर लिया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।